तो संज्ञा और कारक, तो हम लोग केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के दूसरे शब्दों के साथ संबंध को केस कहते हैं। इसमें जो होता है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और नॉमिनेटिव केस क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होता है। उसी तरह सेंटेंस में सब्जेक्ट का रहना भी अनिवार्य होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब किसी के बारे में कुछ कहा जाता है तभी हम सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसी सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो किसी सेंटेंस में वर्ब के पहले रहता है, जो शब्द वाक्य का कर्ता होता है वह नॉमिनेटिव केस में होता है, अर्थात कर्ता कारक होता है। अर्थात नॉमिनेटिव केस वर्ब के जो है वो पहले आता है, बाद में नहीं आता है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे द हॉर्स किल्ड द बॉय। अब इस सेंटेंस में जो है द हॉर्स के बारे में कुछ कहा गया है जो वर्ब के पहले आया है, ठीक है, अतः द हॉर्स नॉमिनेटिव केस में है। तो इसी तरह से और भी एग्जांपल हो सकते हैं। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है कि इसमें जो है द हॉर्स किक्ड द बॉय है, तो हॉर्स जो है वो किक्ड किया है किसी को, तो किक्ड किया है। अब किसको किया है, तो द बॉय को। तो द बॉय यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर द बॉय ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। साथ ही साथ हम यह भी जान लेना चाहिए हमें कि प्रीपोजिशन के बाद भी अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो वह भी ऑब्जेक्टिव केस में होता है, जैसे राम गेव पेन टू मी। अब यहाँ वर्ब से पहले रहने के कारण राम जो है नॉमिनेटिव केस में है, और वर्ब गेव के बाद रहने के कारण ये पेन ऑब्जेक्टिव केस में है, तथा प्रीपोजिशन टू के बाद रहने के कारण मी भी जो है वो भी ऑब्जेक्टिव केस में है। तो नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस हमेशा जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस हमेशा जो होता है या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब ऑब्जेक्टिव केस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एग्जेक्टिव और डेटिव ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। अब कभी कभी वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट रहते हैं, अर्थात दो ऑब्जेक्टिव केस रहते हैं। तो इन दो ऑब्जेक्ट्स में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्यूजेटिव केस में तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डेटिव केस में कहा जाता है, जैसे ही गेव मी अ बुक। अब यहाँ पर वर्ब जो है गेव से पहले रहने के कारण ही जो है यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में, तथा बाद में रहने के कारण मी और बुक दोनों जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। अब हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलने के लिए वर्ब के साथ एक प्रश्न पूछा जाता है व्हाट लगा करके, तो जो जवाब मिलता है वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी एक्यूजेटिव केस में होता है। जैसे सेंटेंस में हम देखें ही गेव मी अ बुक में, तो यहाँ वर्ब गेव के साथ प्रश्न पूछिए। अब यहाँ पर पूछ करके देखना है कि गेव व्हाट, अब क्या दिया, तो हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या मिलता है, तो बुक बुक। तो इस सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी एक्यूजेटिव केस है, तथा जो ऑब्जेक्ट शेष रह जाता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, अर्थात डेटिव केस होता है। अतः इस सेंटेंस में हम मी को डेटिव केस में है कह सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यू गिव अ रुपीज टू द मैन, और एक और दूसरा का सेंटेंस है द मैन टोल्ड अस अ स्टोरी। अब इस सेंटेंस में यू नॉमिनेटिव केस में है, ए रूपी एक्यूजेटिव तथा द मैन डेटिव केस में है, और सेंटेंस सेकंड में देखे द मैन टोल्ड अस स्टोरी में, तो द मैन जो है नॉमिनेटिव है और ए स्टोरी एक्यूजेटिव है, तथा अस जो है यहाँ पर डेटिव केस में है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं पॉजेसिव, या इसी को बोलते हैं जेनिटिव केस भी बोलते हैं। तो जो शब्द अधिकार या स्वामित्व तो बताते हैं वह पॉजेसिव केस यानी जेनिटिव केस में होते हैं। अब साधारणतः जो होते हैं पॉजेसिव केस को एपेस्ट्रोफियस एस द्वारा बनाया जाता है, जैसे राम्स पेन, सोहंस बुक, डॉग्स टेल, इसी बहुत सारे हो सकते हैं। राम की कलम हो गया जैसे हिंदी में, सोहन की किताब हो गया, कुत्ता की पूंछ हो गया, ये सभी। अब यहाँ पर जो है जो एपोस्ट्रोफियस एस पर जो यहाँ यूज हुआ है उस पर थोड़ा सा ध्यान डाल देते हैं। तो यहाँ पर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव वस्तुओं के साथ साधारणतः जो होता है एपोस्ट्रोफियस एस का इस्तेमाल नहीं होता है। उस हालत में अधिकार या स्वामित्व अर्थात बोले तो का जो का बोध कराने के लिए प्रीपोजिशन जो है ऑफ का यूज करते हैं का के बदले में, ठीक है।
किया जाता है, जैसे गार्डन्स फ्रूट हो गया, द टेबल्स लेग हो गया, द हाउसेस रूफ हो गया, द कॉटेज डोर हो गया, है ना। तो ये सभी बहुत सारे हो सकते हैं, ये सभी जो हैं, ये सभी के सभी जो सेंटेंस लिखे गए हैं, ये सभी के सभी गलत हैं, क्योंकि हाउस, कॉटेज, गार्डन, टेबल सभी निर्जीव वस्तुएँ हैं। इस हालत में घर का छत, झोपड़ी का दरवाज़ा, बगीचे का फर्श इत्यादि के लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ का उपयोग करना हमें चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये सेंटेंस पर ध्यान देते हैं, द रूफ ऑफ द हाउस, द डोर ऑफ द कॉटेज, द फ्रूट ऑफ द गार्डन, द लेग्स ऑफ द टेबल, ये सभी जो हैं ये सभी ऐसे होंगे, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पर बात आता है कि अब नाप तोल दूरी इत्यादि दिखाने के लिए हम निर्जीव वस्तुओं में ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो नाप तोल हो, दूरी हो, तभी हम लोग लगा सकते हैं। अब जैसे ए बोट्स लेंथ, नाव की लंबाई, ए हैंड्स ब्रेथ, हाथ की चौड़ाई, ए हेयर्स ब्रेथ, बाल की चौड़ाई, ए स्टोन्स थ्रो अवे, पत्थर को फेंकने पर उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है, तो ये सब के लिए जो है हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। अब